पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस हाईकमान एक दो दिन में करेगा प्रत्याशी की घोषणा। उत्तराखंड में कोरोना के 24 नए मामले, 17 स्वस्थ, 1.54% रही संक्रमण दर। कुमाऊं में आज से फिर बदलेगा तापमान, बैरनानी इलाकों में बढ़ेगी तपिश, मौसम शुष्क रहने की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच आज 6:25 पर ग्रीष्म काल के लिए विश्व विख्यात बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ भगवान के कपाट केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा व विधि विधान से खोले। 6 महीने के इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ के भक्तों की मुराद पूरी हो गई है। 6:25 पर भक्तों के लिए बाबा केदार के द्वार खोल दिए गए हैं। आज सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की टोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोषों के बीच मंदिर के द्वार खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलते ही संपूर्ण केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। कपाट खुलते ही बाबा केदार के त्रिकोणीय आकार के स्वयंभू लिंग को 6 महीने पूर्व दी गई समाधि को हटाया गया और विधिवत पूजा शुरू की गई। कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जबकि धाम में आज बाबा के दर्शनों के लिए लगभग 20,000 यात्री पहुंच चुके हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल चुके हैं। चार धाम की यात्रा 3 मई से शुरू हो गई है और इसी के साथ केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:25 पर तमाम श्रद्धालुओं के लिए पूरी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर धाम में 20,000 भक्तगण मौजूद रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इसके साथ साथ 20,000 भक्तगण यहां पर पहुंचे हुए। लंबे इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ धाम कपाट जो है वो भक्तगण के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भक्तों के लिए आज से खुल चुके हैं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ और यहाँ पर पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई है। सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट तमाम भक्तगणों के लिए पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मंदिर के कपाट सुबह 6:25 पर तमाम भक्तगणों के लिए खोल दिए गए। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट तमाम भक्तों के लिए खुल चुके, क्या कुछ माहौल इस वक्त केदारनाथ में बना हुआ है, लोगों में श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह बना हुआ है? बिल्कुल मानसी, मैं बता दूं कि आज जो है जो केदारनाथ के रावल है दर्शकर उन्होंने जो है कपाट खोले है और साथ ही जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि लगातार जब से चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है तो चारों धामों में जो है श्रद्धालु के आने का सिलसिला वो जो है वो लगातार जारी है। और स्वयं खुद आज इस शुभ अवसर पर जो है सुबह के मुख्यमंत्री हमी जो है अपनी संपत्ति के साथ जो है वहाँ पर बाबा केदार का जो है आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरें जो बयान कर रही है कि जितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, क्योंकि लंबे समय से मानसी जो है इंतजार था श्रद्धालुओं का, क्योंकि जो कोरोना के चलते जो है 2 साल से यात्रा जो है वो ठप पड़ी थी और इस बार जो है आम श्रद्धालुओं के लिए, आम जनता के लिए जो है बाबा केदार के द्वार जो है वो खोल दिए गए हैं। और आप देखिए यह अद्भुत नजारा जो है ये केदार घाटी का है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। फूलों से जो है पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो
जहाँ पर सजा किया गया है और आर्मी के जो धूम है, जो आर्मी बैंड है उसके साथ जो है ये कपाट खुले गए हैं और लगातार सिलसिला जो है लगातार श्रद्धालुओं का जो है केदार घाटी पे पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और अब ये भी बता दें कि 8 तारीख को जो है इसके बाद बद्रीनाथ जी के कपाट खुले जा रहे हैं और इससे पहले 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है वो मानसिक खुल चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जो है श्रद्धालु जो आ रहे हैं, कितना वहाँ जो है इन लोगों के दिल में है, क्योंकि लंबे समय से जैसे मैंने आपको बताया कोरोना काल के चलते यात्रा जो है आम श्रद्धालु के लिए बंद थी, और लेकिन इस यात्रा का जो आगाज है वो हो चुका है और इस बार जो है कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। हालांकि एक सीमित श्रद्धालुओं का दायरा जो है वो सरकार ने जरूर बताया है कि खाने से लेकर रहने तक की जो सुविधाएं है उसकी असुविधा जो है वो आम नागरिक को और आम श्रद्धालु को ना हो, इसलिए हर एक मंदिर में जो है एक लिमिट जो है संख्या जो है वो श्रद्धालु की निर्धारित की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु बाहर से आए तो उसको कोई असुविधा ना हो। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और स्वयं साक्षात जो है भगवान भोलेनाथ जो है वो अपने मंदिर, अपने प्रांगण और अपने इस केदार घाटी में जो है वो उपस्थित हो चुके हैं। और ये श्रद्धालु इस तरीके का उत्साह जो है मानसी सुबह से ही अब देख रहे हैं कि लगातार जो है वो संख्या जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि कई लोगों को जो है गोरीकुंड तक रोका गया है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है इस समय यहाँ पर मौजूद है। जी राजेश, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से भारी भीड़ जो है लोगों की नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि भीड़ जो है बेकाबू ना हो जाए इसकी वजह से उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक संख्या निर्धारित की गई है कि एक दिन में कुछ निर्धारित संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे में एक संख्या जो निर्धारित सीमा है उससे ज्यादा लोग अगर पहुंच जाते हैं तो क्या ऐसे लोगों को फिर दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, उन्हें वापस लौटाया जाएगा, या अगर ऐसे श्रद्धालु है तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था फिर की जाएगी, क्योंकि बड़ी दूर से वो तो बाबा के दर्शन को पहुंचे हुए हैं लेकिन अगर संख्या से ज्यादा पहुंच जाते हैं तो उनके लिए फिर क्या व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देखिए मानसी जी, अलग अलग चेकपोस्ट है, अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे आगे जाने की अनुमति की जाएगी। एक संकेत जो है उन नीचे मिलेगा, यानी कि जो नीचे स्टेप पर जो सेकंड स्टेप पर जो आगे जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको संकेत जो है प्रशासन द्वारा मिलेगा कि अभी मंदिर प्रांगण में अगर भीड़ है और बड़ी संख्या में जिस तरीके से जो लिमिटेशन है, यानी कि अगर बात करें तो 15-12 हजार जो लिमिट है वो केदार घाटी की है, और अगर बात करें तो लगभग 15 हजार जो है बद्रीनाथ में श्रद्धालु आ सकते हैं। इसके अलावा 4 हजार और 7 हजार के लगभग जो है अलग अलग धाम गंगोत्री यमुनोत्री में जो है श्रद्धालु जो है एक समय पर आ सकते हैं। तो एक लिमिटेशन जो है वो सरकार ने जो है अपनी बनाई है, क्योंकि अगर जब आगे का संकेत होगा, श्रद्धालु को आगे बुलाने के संकेत होगा तो उनको मंदिर प्रांगण में भेजा जाएगा, क्योंकि कोई इस तरीके की स्थिति जो है वहां पर उत्पन्न ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जैसे मैंने आपको बताया कि केदार घाटी में पहुंचे हैं श्रद्धालु, तो एक दायरा जो है वो लिमिटेशन का वो हो, क्योंकि रहने की सुविधा पहाड़ी इलाकों में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ठंड जो है वो वहां पर होती है, -30 डिग्री से नीचे का जो तापमान है वो यहाँ पर है। और अभी भी देखेंगे तो बाहर बाबा केदार की जो घाटी है, जो इसके दाएं बाएं जितने भी पहाड़ है वहां पर जो है अभी भी बर्फ जो है वो जमी है, ग्लेशियर जो है वो अभी जमे हुए हैं। हालांकि 20 दिन पहले ही ग्लेशियर साफ करके कटिंग करके जो है श्रद्धालु के लिए रास्ता जो है वो तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालु जो है आराम से यहाँ पर सुविधाजनक यात्रा का अनुभव जो है वो कर सके। तो बहरहाल ये देख सकती है तस्वीरें मानसी की, जो अद्भुत नजारा है इस केदार घाटी का वो देखने को मिल रहा है, और स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो श्रद्धालु है वो बाबा केदार घाटी में जो है ओम नमः शिवाय के जो नारे हैं उन जो मंत्र है, मंत्र उच्चारण जो है वो लगातार बांकी चल रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा जो है आज सुबह 6:25 पर जो है बाबा केदार के द्वार जो है
वो आम श्रद्धालु के लिए खुल चुके हैं और अब सच चुके हैं चारों धाम और लगातार श्रद्धालु का आने का सिलसिला जो है जी, वो बेशक बेशक अद्भुत नजारा है क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आज लंबे इंतजार के बाद बाबा केदारनाथ धाम खुल चुके हैं और यहाँ पर भक्तगण जो है वो उनके दर्शन पाने के लिए लंबे समय के बाद दूर दूर से आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट लंबे अरसे के बाद खुल चुके हैं पूरे विधि विधान के साथ। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं यहाँ पर पहुंचे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। 20,000 भक्तगण यहाँ पर, आप अनुमान लगा लीजिए कि भीड़ जो है वो कितनी ज्यादा संख्या में पहुंची हुई है। और सुबह 6:25 पर जैसे ही कपाट खुले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह पहली पूजा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम भक्तगणों के साथ यहां पहुंचे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की गई और इसी के बाद अब हजारों लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव टोली चोपता से कैलाश के लिए रवाना हो गई है। सैकड़ों भक्त भगवान शंकर के जयकारों व महिलाएं मांगल गीतों से टोली की अगुवाई कर रहे हैं। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव टोली सुरमय मखमली बुग्यालों में नृत्य करते हुए दोपहर तुंगनाथ धाम पहुंचेगी तथा भगवान तुंगनाथ के कपाट वेद ऋषाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। तुंगनाथ में भगवान शंकर के भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ से चल विग्रह डोली की अगुवाई मंगल गीतों को गा करके डोली की अगुवाई यहां पर की जा रही है। तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली चौपता से रवाना हो चुकी है। और बुलेटिन में अगली खबर लालकुआ से है जहां नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस कमेटी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरीश रावत पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और पार्टी आलाकमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वक्ताओं ने यहां तक कहा कि बाहर से आए मैनेजमेंट की गलत नीतियों और हरीश रावत को आम जनता से दूर रखने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई पदाधिकारी 30 सालों से एक ही दायित्व का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में संगठन स्तर पर फेरबदल करके युवाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। इसके बचाव के चुनाव का विरोध करना करने का फैसला लेना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता है फिर से खड़े होंगे और फिर मंजिल की तरफ। कार्य अनुसार हमें हमारे राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था तो उनको नेता हमारे बड़े भाई सिजवाली जी भी यहाँ बधाए हुए हैं। सिजवाली जी का भी यहाँ नगर कांग्रेस कमेटी। गुरुवार का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। अलकनंदा होटल का दोनों राज्यों के बीच 21 सालों पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में अलकनंदा होटल की चाबी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सौंप दी। हरिद्वार गंगा किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तराखंड और यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल के बराबर में यूपी सरकार द्वारा नवनिर्मित भागीरथी होटल का शुभारंभ किया। प्रेसवार्ता का संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना होगा। राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर फैसले लेने होंगे। जिस तरह से उत्तराखंड और यूपी के बीच 21 साल पुराना अलकनंदा होटल का विवाद सुलझा है, ये देश के लिए अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच वन विकास निगम, आवास विकास और रोडवेज से जुड़ी समस्याओं का निदान नवंबर में ही शुरू हो गया था। आने वाले समय में इसी तरह बातचीत के जरिए परिसंपत्ति से जुड़े विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा।
और आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर के जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। दिन रहा हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है, जितने भी साधु संत है सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का उद्घाटन हो गया और हम लोगों ने सबने यहाँ भोजन किया, भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। सितारगंज में यूं तो अच्छी सड़कें, चौराहे और अच्छी यातायात व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसी बीच सितारगंज में बाईपास रोड स्थित बिछड़ी चौराहे का निर्माण होने के बाद अब तक चौराहे पर ना तो सिग्नल लाइंस लगाई गई और ना ही रेडियम ना ही मर्क्यूरी लाइंस, जिससे रात में चलने वाले छोटे बड़े वाहनों को हर प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बीती रात चौराहे पर रोशनी के अभाव में अंधेरे और भारी आंधी और बारिश के बीच एक ऑक्सीजन सिलेंडर का मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर बिछड़ी चौराहे पर पलट गया। ट्रक में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर रोड पर इधर उधर गिरने लगे, जिससे यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया। सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने सिलेंडरों को रोड से हटाया और पलटे हुए ट्रक को भी घंटों की मशक्कत के बाद उठाया गया। आसपास के दुकानदार और लोगों ने बताया कि चौराहे पर उचित लाइट और रेडियम के ना होने के कारण आए दिन रात में ऐसे हादसे होते रहते हैं, जिसकी सुध प्रशासन या NH-74 लेने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, अंधेरे के कारण यहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है ना रेडियम की व्यवस्था, जिस वजह से ये ट्रक को पलटते आप देख सकते हैं वीडियो में। चौराहे का निर्माण होने के बाद भी लाइट्स नहीं लगी है और अंधेरे और बारिश के कारण ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर पलट जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा हुआ ये जो ट्रक है ये यहाँ पे पलट गया। सड़क पर ना तो लाइट्स की व्यवस्था सही से की गई है ना ही रेडियम की जो व्यवस्था है वो की गई है और अंधेरे और बारिश के कारण ये हादसा हो गया। जो है ये बिछड़ी चौराया है और बिछड़ी चौराया बहुत छोटा है, छोटे के वजह से यहाँ पर अंधेरे में लाइट भी नहीं है, जिससे कि अभी आंधी आई, आंधी बहुत तेज आई और ये एकदम बिल्कुल चकरा गए चौराया छोटा होने की वजह से और ये हादसा हुआ है। इससे अभी 2 दिन पहले मुर्गी की गाड़ी पलटी थी, उससे भी काफी नुकसान हुआ था, मुर्गी के कई बच्चे मरे थे जिसमें गाड़ी का भी नुकसान हुआ था। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भूसे को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में पशु चारे की कीमतों पर आए उछाल को लेकर प्रदेश में नया आदेश जारी हुआ है, साथ ही अनावश्यक भंडारण एवं बाहर परिवहन पर रोक लगाई गई है। वहीं भूसा विक्रेताओं द्वारा भूसे का अनावश्यक भंडारण कालाबाजारी पर करने वालों पर रोक लगाई गई है।
जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन पर तत्काल एक पक्ष हेतु पर रोक लगाई गई है। साथ ही जिलों में पुराली जलाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा होटल की चाबी भी सौंपी। दोनों ही राज्यों के मुखिया ने 21 साल से विवादित चले आ रहे परिसंपत्ति मामले पर भी कई अहम बातें की। सीएम योगी ने कहा कि अदालत के बजाय विचार विमर्श करके आपसी सहमति से यह मामला सुलझ रहा है। होटल अलकनंदा पर विवाद सुलझ गया, आगे अन्य मामले भी सुलझ जाएंगे। वही विपक्ष पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर प्रदेश के लिए लग्जरियस गेस्ट हाउस बनवा दिया। उत्तराखंड के खाते में क्या आया, विपक्ष उत्तराखंड को ठगा हुआ बता रहा है। हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्री इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 साल बाद ये पहल की। अब देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सिंह रावत जी ने प्रारंभ की थी और ये प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत आधिकारिक स्तर पर चल रही थी, चीफ सेक्रेटरी स्तर की बैठकें भी हो चुकी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नौकरशाही के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान निकालने होते हैं और हम लोगों ने दोनों ने नवंबर 2021 में इस समस्या को बैठ करके आपसी सहमति से समाधान निकाला। आज कार्य यहाँ पर मुझे सौंपते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि एक समस्या का समाधान यहाँ पर जो हम लोगों ने आज से 4 माह पूर्व लखनऊ में कहा था आज हरिद्वार में वो पूरा हो रहा है। ऐसे ही अन्य समस्याओं का समाधान भी हम इसी प्रकार से करेंगे। ये समस्या लगातार बनी हुई है, अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की जमीनें हैं। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 साल से परिसंपत्ति विवाद चल रहा था, लेकिन पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की पहल की। 28 नवंबर 2021 को लखनऊ में बैठक हुई थी जिसमें परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ था और 2 महीने के भीतर मामला सुलझाने की बात कही गई थी। हालांकि 5 महीने बीत चुके हैं और अब तक तमाम मामले सुलझे नहीं। सिंचाई विभाग के भवन, जमीन हस्तांतरण, जलाशय और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति भी अब तक नहीं मिल पाई है। बहरहाल सीएम योगी और सीएम धामी धीरे धीरे इन विवादों को सुलझा रहे हैं। इसी बीच आज भागीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया गया जो अलकनंदा होटल के पास ही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का मानना है कि ये दोनों होटल दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार अन्य परिसंपत्तियों के मामलों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। परिसंपत्ति विवाद में परिवहन निगम भी बहुत अहम है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंद्र नाम दास ने इस मामले की जानकारी दी कि उत्तराखंड के सिंचाई विभाग को 55,100 से 13,000 हेक्टेयर जमीन और 4,000 इमारतों को लेकर दोनों राज्य में विवाद चल रहा था जिन पर यूपी का कब्जा हो गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग को 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। देखिए उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड का हमारा जो पुरानी परिसंपत्तियों का मामला था उसमें मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का। अभी मार्च में ही 105 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से हमको मिला है, पहले भी मिला है, मगर जो अन्य देनदारी हैं उसमें भी हम बात करेंगे। जो अन्य मामले हैं छोटे छोटे उनका मैं परीक्षण करूंगा। वहीं विपक्ष का मानना है कि उत्तराखंड सरकार ने जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया है। इस मामले में उत्तराखंड ठगा महसूस कर रहा है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 22 सालों में परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए जो आज स्थिति है ऐसी स्थिति कभी पहले थी भी नहीं। पिछले 5-5.5 साल से ये स्थिति है। कौन सी? भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में और भाजपा की सरकार उत्तराखंड में। परंतु परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में आज भी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है भाजपा की सरकार?
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड दौरा अगर इसी परिपेक्ष में देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में अब क्या रोड़ा है। मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री योगी ने अलकनंदा होटल के विवाद को खत्म कर दिया है। भाजपा का मानना है कि आगे भी परिसंपत्तियों के विवाद का निपटारा किया जाएगा। यूएस नगर चंपावत हरिद्वार में सिंचाई विभाग की सैकड़ों बीघा दोनों राज्यों के बीच विवादित जमीन है। 28 नवंबर 2021 को लखनऊ में हुई बैठक में यूएस नगर हरिद्वार चंपावत की 379.385 हेक्टेयर के उत्तराखंड को देने पर सहमति बन गई थी। बाकी जमीनों के स्वामित्व के लिए दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण होना था। 2 महीने के भीतर सिंचाई विभाग की तरफ से आदेश पास होने से 5 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के मुताबिक उत्तराखंड की जनता के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब देखना ये है विपक्ष के सवाल पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी किस तरह जवाब देते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से अभिषेक कुमार के साथ देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।